आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपैम्प की थर्ड एप्लीकेशन जो कि है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन का मतलब होता है कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना, या हिंदी में कहें तो गणना करना। और एनालॉग कंप्यूटेशन का क्या मतलब होता है? एनालॉग कंप्यूटेशन का मतलब है किसी भी गिवन इक्वेशन को कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना। तो जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है, वो प्रेशर भी हो सकता है, वो टेम्परेचर भी हो सकता है। तो इन सभी को कंप्यूट करना क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटेशन। और क्योंकि यहाँ पर हम ओपैम्प की एप्लीकेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को या प्रेशर को या टेम्परेचर को हम कंप्यूट करेंगे किसकी हेल्प से? ओपैम्प की हेल्प से। तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। और वो जो एग्जांपल है हमारा वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी वो इस फॉर्म में है, d2v/dt² + k1 dv/dt + k2v - v1 = 0, जहाँ पर v1 जो है हमारे पास ये गिवन फंक्शन हो सकता है टाइम का, या फिर ये एक कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। और अगर बात करें K1 और K2 की, तो K1 K2 हमारे पास क्या हो सकते हैं? रियल पॉजिटिव कांस्टेंट ही हो सकते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हमें सोल्व करना है तो इसको हम फर्दर थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, देन वी विल सी कि हम इसको ओपैम्प की हेल्प से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को फर्दर सिंपलीफाई करके हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके हमने किस तरीके से लिखा, इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ कर लीजिए और इस वाले टर्म को एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि d2v/dt² की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूव करना है ओपैम्प को लेकर, ओपैम्प की हेल्प से, कि इस टर्म की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो इतनी आएगी, ठीक है। अब ये जो टर्म है d2v/dt² की वैल्यू वो इसके इक्वल कैसे आएगी, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा, दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है हमारे पास, सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो है ओपैम्प को जब हम एज एन इंटीग्रेटर स्टडी करते हैं तो उसका जो सर्किट होता है हमारे पास, ये सर्किट होता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R है, ये एक कैपेसिटर C है जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने अप्लाई किए हैं, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड करते हैं। यहाँ पर अगर हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिलती है, ये है ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर। और अगर हम इसके आउटपुट को देखते हैं तो जो हमारे पास आउटपुट आती है वो किस टाइप से आती है, उसकी वैल्यू होती है -1/RC इंटीग्रेशन, जो भी हमने इनपुट अप्लाई की है उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये है हमारे पास सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है, ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड, तो सेकंड है हमारे पास ओपैम्प एज एन समिंग एम्पलीफायर, और कौन सा? इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, ठीक है। तो अगर हम ओपैम्प को एज एन इन समिंग एम्पलीफायर स्टडी कर रहे हैं तो क्या होता है उसके अंदर, यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं वोल्टेजेस V1 रेजिस्टेंस R1 के थ्रू, V2 R2 के थ्रू, V3 R3 के थ्रू, एंड इन जनरल VN RN के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर ये किस पर है, क्योंकि इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है तो इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम अप्लाई करेंगे, ये है हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस RF। तो ये होता है हमारा समिंग एम्पलीफायर का सर्किट जो आपने ध्यान रखना है। और अगर इसकी आउटपुट को देखें तो जो हमारे पास आउटपुट आती है वो कैसे आती है, वो होती है RF/R1 (V1) प्लस में क्या होगा RF/R2 (V2) प्लस में क्या होगा RF/R3 (V3) और प्लस में क्या होगा RF/RN (VN)
ठीक है, और इन सब के आगे आएगा ये माइनस का साइन, तो आपने ये ध्यान रखना है। सेकंड थिंग आपको ये रिमेम्बर करनी है, फर्स्ट है ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर, ये सर्किट होता है और इसकी आउटपुट ये होती है। सेकंड हमारे पास है ओपैम्प एज ए समिंग एम्पलीफायर, ये हमारे पास इसका सर्किट होता है और ये क्या होती है, इसकी आउटपुट होती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को किस तरीके से हमने यूज़ करना है वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है कि ये जो d2v/dt² है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास इनपुट के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। d2v/dt² जो है वो इनपुट वोल्टेज के फॉर्म में हमारे पास गिवन है, ये ध्यान रखना है फर्स्ट थिंग। सेकंड जो हम यहाँ पर कंसीडरेशन लेकर चल रहे हैं वो ये है कि ये जो हमारे पास RC होता है जिसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, यहाँ पर इस RC की वैल्यू क्या है, वो 1। इस तरीके से R और C की वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि RC की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, वो 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो d2v/dt² फर्स्ट थिंग वो वोल्टेज की फॉर्म में है, और सेकंड थिंग हमारे पास जो RC है टाइम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1 है, R और C की वैल्यू इस तरीके से चूज करनी, ठीक है। तो इन दोनों के बाद अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटर और इस समिंग एम्पलीफायर को कंबाइन करेंगे, और कंबाइन कर हम क्या बनाएंगे, कंबाइन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारे पास d2v/dt² गिवन है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए d2v/dt² किसके इक्वल आ रहा है, dv/dt के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम d2v/dt² को इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो क्या देता है हमें, आउटपुट dv/dt देगा। तो इसका मतलब अगर हमें यहाँ पर dv/dt चाहिए तो सबसे पहले हमें एक इंटीग्रेटर चाहिए होगा। सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, k2v, ठीक है। तो इसका मतलब फिर से अगर dv/dt का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, आउटपुट v आ जाती है। तो इसका मतलब क्या चाहिए हमें, दो तो इंटीग्रेटर चाहिए, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे सम के फॉर्म में आ रहे हैं, k1 dv/dt प्लस में v1 माइनस में k2v। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, समिंग एम्पलीफायर भी यूज़ करना होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इंटीग्रेटर और समिंग एम्पलीफायर को कंबाइन करना है। तो कंबाइन किस तरीके से करते हैं, हम कंबाइन कुछ इस टाइप से करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारा इंटीग्रेटर। इस इंटीग्रेटर की जो भी आउटपुट होगी उसको हम अप्लाई करेंगे एक सेकंड इंटीग्रेटर को, ठीक है। ये है एक इंटीग्रेटर सर्किट, और इस आउटपुट को हमने कहाँ दे दिया, एक सेकंड इंटीग्रेटर के पास दे दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास ये आउटपुट आई है, उसी टाइम पर इस आउटपुट को हम अप्लाई करेंगे इस समिंग एम्पलीफायर पर रेजिस्टेंस R1 के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर आ रही है एक और टर्म जो है वोल्टेज V1, ठीक है। तो V1 को भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस R के थ्रू इस समिंग एम्पलीफायर पर, ठीक है। तो ये है सबसे फर्स्ट जो थिंग है वो हमारे पास क्या है कि इसके आउटपुट, फर्स्ट इंटीग्रेटर की जो भी आउटपुट होगी उसको हम क्या कहाँ पर देंगे, सेकेंड इंटीग्रेटर के पास, और उसी टाइम पर उसी आउटपुट को कहाँ अप्लाई करेंगे, इस समिंग एम्पलीफायर पर। अब सेकेंड इंटीग्रेटर की जो भी आउटपुट होगी और इस समिंग एम्पलीफायर की जो भी आउटपुट होगी उसको हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, एक और समिंग एम्पलीफायर पर अप्लाई करेंगे। और अगर हम इन चारों का कम्बिनेशन कुछ इस तरीके से कंसीडर करें जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिख रही थी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू इसके इक्वल कैसे आएगी। तो ये है सबसे पहला हमारा फर्स्ट इंटीग्रेटर R और C।
ठीक है। आर सी की वैल्यू किस तरीके से हमने कंसीडर की है, आर सी की वैल्यू 1 के इक्वल हमने कंसीडर की है। आर सी का मल्टीप्लिकेशन कितना आए, 1 आए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आर सी को हम 1 कंसीडर करते हैं तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो क्या आ जाएगी, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी माइनस में इनपुट का इंटीग्रेशन, सिर्फ सिंपल सा, ठीक है, माइनस ऑफ इनपुट का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन वोल्टेज है इनपुट पर वो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो गिवन वोल्टेज क्या है, d2v/dt² जो कि हमने अप्लाई की इस फर्स्ट इंटीग्रेटर पर। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सोल्व करेंगे तो ये है इनपुट का इंटीग्रेशन माइनस में, ठीक है। तो इनपुट हमारे पास है d2v/dt², इनपुट है हमारे पास ये, और अगर हम इसके इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, वो आती है -dv/dt। तो फर्स्ट इंटीग्रेटर की जो आउटपुट है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी ये -dv/dt। अब इस -dv/dt को हम कहाँ अप्लाई करेंगे, सेकेंड इंटीग्रेटर पर। तो सेकेंड इंटीग्रेटर को हमने किस तरीके से कंसिडर किया है कि R और C का कम्बिनेशन कितना है, वो 1 आए, ठीक है। तो सेकेंड इंटीग्रेटर पर जैसे ही इस इनपुट को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, आउटपुट, आउटपुट जो आएगी इस सेकेंड इंटीग्रेटर की वो क्या होगी, इन माइनस में इनपुट का इंटीग्रेशन। और इनपुट कितनी है हमारे पास, इनपुट है हमारे पास -dv/dt, ठीक है। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, आउटपुट वी आ जाती है, ठीक है। तो इसकी सेकेंड इंटीग्रेटर की अगर हम आउटपुट देखें तो वो कितनी आएगी, वो प्लस में वी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसी टाइम पर ये इनपुट कहाँ अप्लाई हो रही है, इस समिंग एम्पलीफायर पर, ठीक है, समिंग एम्पलीफायर पर हम अप्लाई कर रहे हैं उसी टाइम पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समिंग एम्पलीफायर की जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, RF/R1 में जो भी वोल्टेज यहाँ पर हमने अप्लाई की है, और उसके आगे आएगा माइनस साइन, ठीक है, प्लस में RF/R2 में क्या हो जाएगा, V2। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस टाइप से सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, फीडबैक रेजिस्टेंस की जगह हम यहाँ पर R ले रहे हैं, ये है हमारा R1, और यहाँ से इनपुट वोल्टेज कितनी आ रही है, वो आ रही है हमारे पास -dv/dt, ठीक है। तो क्या बनेगी हमारे पास इस समिंग एम्पलीफायर की आउटपुट, इस समिंग एम्पलीफायर की जो आउटपुट होगी वो होगी R, ठीक है, R/R1 में इनपुट, तो वो है R/R1, इनपुट कितनी है, वो है -dv/dt, ठीक है। और सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड यहाँ पर हमने वोल्टेज V1 अप्लाई की है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, R/R V1, तो प्लस में क्या होगा, R/R V1, और इस पूरे के आगे क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनता है, R/R1 dv/dt, इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा, माइनस में क्या आएगा, V1। तो जो समिंग एम्पलीफायर है इसकी आउटपुट क्या बनेगी, इसकी आउटपुट ये बनेगी, और इस R से ये R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आउटपुट आ रही है इंटीग्रेटर की, जो भी आउटपुट आ रही है, और इस समिंग एम्पलीफायर की जो भी आउटपुट आ रही है, उसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे, इस समिंग एम्पलीफायर पर अप्लाई करेंगे। तो इस इंटीग्रेटर की जो आउटपुट थी वो थी प्लस वी, ठीक है, इसको हमने अप्लाई किया है R2 के थ्रू इस समिंग एम्पलीफायर पर, इस समिंग एम्पलीफायर की आउटपुट थी वो ये थी, और इसको हमने रेजिस्टेंस R के थ्रू अप्लाई किया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसकी आउटपुट निकालें तो क्या बनेगी आउटपुट, R/R2 V, यही बनेगा हमारे पास। अगर इसकी आउटपुट देखें इस फोर्थ समिंग एम्पलीफायर की, तो ये बनेगा R/R2 V, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इनपुट क्या जा रही है, यहाँ पर इनपुट क्या जा रही है, ये पूरी इनपुट की तरह वर्क कर रही है, और ये है रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो ये बनेगा प्लस R/R जो भी इनपुट आपने अप्लाई की है यहाँ पर, जो कि है R/R1 dv/dt माइनस में V1,
तो ये हमारे पास बनेगी आउटपुट, और यहाँ पर पूरे के आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या होगा, इस आर से ये आर हो जाएगा हमारा कैंसिल, और जो आपकी आउटपुट बनेगी वो क्या बनेगी, आर बाय आर टू इंटू में वी माइनस आर बाय आर वन डी वी बाय डी टी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस वी वन। ठीक है, यही इक्वेशन बनेगी हमारे पास। अब देखिए, अब हम अगर इस आउटपुट को कंपेयर करें, ठीक है, इस आउटपुट को कंपेयर करें किससे, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इससे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या आ रहा है, यहाँ पर डी वी बाई डी टी इंटू में के वन, और उसके आगे है माइनस साइन, तो डी वी बाई डी टी, तो इसका मतलब के वन का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर के वन का काम कर रहा है आर बाई आर वन। ठीक है, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव रियल कॉन्स्टेंट है, जो कि हमने स्टार्टिंग में कहा था के वन और के टू रियल पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, तो आर एक रेजिस्टेंस है, आर वन भी एक रेजिस्टेंस है, तो दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगी, एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट वैल्यू ही आएगी। ठीक है, अब हमारे पास है माइनस माइनस प्लस वी वन, तो ये आ रही है सेकेंड टर्म प्लस वी वन, अब जो थर्ड है वो क्या है, माइनस में के टू इंटू में वी, तो देखिए यहाँ पर ये है वी और साथ में ये टर्म है, तो इसका मतलब के टू का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर के टू का वर्क कर रहा है आर बाय आर टू, आर एक रेजिस्टेंस है, आर टू भी एक रेजिस्टेंस है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, एक पॉजिटिव रियल वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस टाइप से हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया है, एक ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर और ओपैम्प एज एन समिंग एम्पलीफायर का यूज़ करके। ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रेटर है, उसके लिए हमने इनपुट अप्लाई की थी ये, तो उसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, उसकी आउटपुट ये आ जाएगी। जो सेकंड इंटीग्रेटर था, जो सेकंड इंटीग्रेटर था उसके लिए इनपुट का काम कौन कर रहा था, ये कर रहा था माइनस डी वी बाई डी टी, और अगर इसकी आउटपुट को देखें तो वो कितनी आ रही थी, वो प्लस वी आ रही थी, तो ये है उसकी आउटपुट प्लस वी। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है हमारा समिंग एम्पलीफायर, तो उसके लिए जो इनपुट्स हैं वो क्या क्या हैं, एक तो इधर से इनपुट मिल रही है माइनस डी वी बाई डी टी, और सेकेंड इनपुट है हमारे पास वी वन, तो डी वी बाई डी टी और वी वन इनपुट है, और अगर इसकी आउटपुट को देखें तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, सम करके देगी, तो सम किस टाइप से, आर बाई आर वन डी वी बाई डी टी आर बाई आर इंटू में वी वन, और पूरे के आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन, तो इसका मतलब ये इसकी आउटपुट बन जाएगी हमारे पास। और जो फोर्थ समिंग एम्पलीफायर है उसके पास दो इनपुट्स हैं, एक तो है हमारे पास ये इनपुट प्लस वी, और एक इधर से जो इनपुट मिल रही है वो हमारे पास है, तो ये जो दो इनपुट है वे फोर्थ समिंग एम्पलीफायर की हो जाएंगी, और अगर इसकी आउटपुट को देखें तो क्या बनेगा, आर बाई आर टू इंटू में वी, ठीक है, और ये बनेगा आर बाई आर इंटू में दिस वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्थ समिंग एम्पलीफायर की आउटपुट आ जाएगी। और अगर इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास के वन और के टू की वैल्यूज आ जाएंगे, जो कि क्या आ रही हैं, रियल पॉजिटिव कॉन्स्टेंट आ रही हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ और करनी है आपने, ये सब करने के बाद लास्ट में आउटपुट को किससे कनेक्ट करना है, यहाँ पर इनपुट से कनेक्ट करना है। ठीक है, कंप्यूटर को अगर हमें कंप्लीट करना है तो कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस आउटपुट को कनेक्ट कर देना होगा इनपुट से। ठीक है, आउटपुट टर्मिनल को जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं इनपुट टर्मिनल से, तो हमारा सर्किट जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या निकल कर आ जाएगी, वो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ये और जो प्रोसेस हमने पढ़ा ये कहलाता है हमारा एनालॉग कंप्यूटेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को या फिर किसी भी गिवन इक्वेशन को कंप्यूट करना। ठीक है, तो ये थी हमारी ओपैम्प की थर्ड एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पर आप इंटीग्रेटर यूज़ कर रहे हैं,
इंटीग्रेटर की जगह हम डिफरेंशिएटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंशिएटर यूज करते हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? जो हमारी फर्स्ट लिमिटेशन है वो क्या है, अगर हम इंटीग्रेटर के गेन को देखें तो जो इंटीग्रेटर का गेन होता है वो डिक्रीज करता है कब, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएटर के गेन को देखें तो डिफरेंशिएटर का गेन होता है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से गेन अगर इंक्रीज हो रहा है तो साथ में नॉइस भी एम्पलीफाई होगी, जबकि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से गेन आपका डिक्रीज होता है तो इसका मतलब नॉइस जो है वो भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो डिफरेंशिएटर के केस में नॉइस एम्पलीफाई हो जाती है, नॉइस बढ़ जाती है, इसलिए हम डिफरेंशिएटर सर्किट को यूज़ नहीं करते हैं। और इंटीग्रेटर में क्योंकि नॉइस रिड्यूस होती है इसीलिए हम इंटीग्रेटर सर्किट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट लिमिटेशन थी डिफरेंशिएटर यूज़ करने की। तो अगर नॉइस हमारी इंटीग्रेटर के अंदर कम है, डिफरेंशिएटर की ज़्यादा है, तो जो हमारा इंटीग्रेटर सर्किट है उसको स्टेबलाइज करना इजी हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? डिफरेंशिएटर सर्किट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सेकंड लिमिटेशन हमारी ये हो जाएगी। और थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड लिमिटेशन है कि इट इज़ कन्वीनियंट टू अप्लाई इनिशियल conditions एट द इंटीग्रेटर, कि इंटीग्रेटर पर इनिशियल conditions अप्लाई करना convenient होता है, easy होता है as compared to differentiator। और जो हमारे पास ये second limitation है ये first से ही निकल कर आई है। ठीक है, इंटीग्रेटर का गेन रिड्यूस होता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से, इसीलिए उसकी नॉइस भी रिड्यूस होती है, इसीलिए वो लेस सेंसिटिव होता है नॉइस को। ठीक है, डिफरेंशिएटर के कंपैरिजन में इंटीग्रेटर लेस सेंसिटिव होता है नॉइस के लिए। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस थी डिफरेंशिएटर को यूज, अगर हम डिफरेंशिएटर को यूज करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेटर सर्किट को ही यूज करेंगे डिफरेंशिएटर को यूज करने की बजाय। तो ये सब हमारे पास था एनालॉग कंप्यूटेशन के बारे में, और यहाँ पर हमारे पास ऑप-एम्प की जो थर्ड एप्लीकेशन है वो खत्म होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये थर्ड एप्लीकेशन थी ऑप-एम्प की। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है, सॉल्यूशन है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।